नमस्ते दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे चैनल द एआर गनर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये जो एचएनएल स्लग है 20 ग्रेन, इनको हम जो है ये वोर्टेक्स में चलाकर देखेंगे। दोस्तों, ये वोर्टेक्स जो है ये जो है नॉन रेगुलेटेड है, और इस पर मैंने जो है स्प्रिंग जो कंपनी ने एक्स्ट्रा स्प्रिंग प्रोवाइड करा है उनको डाल रखा है, जो हार्ड वाला स्प्रिंग है, पर उसको हमने पावर कुछ एडजस्ट नहीं किया है। जस्ट जो है लोएस्ट पावर, जैसे कि जो स्प्रिंग है उसको जस्ट डाला है, कोई एडजस्ट नहीं करा है, उस पर ही मैं चला कर देखूंगा। आइए, जो 20 ग्रेन स्लग को जो है स्लग एचपी है 20 ग्रेन का ये। दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने को कोशिश करूंगा जो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड एयर एप्पल में। ये वोर्टेक्स नॉन रेगुलेटेड है, इसमें रेगुलेटेड वाला भी मिलता है, और ये मैवरिक रेगुलेटेड है, आउटलो भी रेगुलेटेड है, पर इसका जो रेगुलेटर प्रेशर को आप जो है ये देखिए, बाहर से आप देख सकते हैं रेगुलेटर प्रेशर जो है या बाहर दिया हुआ है, पर ये जो आउटलो में है इसमें कहीं भी आपको प्रेशर गेज बाहर नहीं दिखेगा। तो इसमें रेगुलेटर गेज डालने का सुविधा भी है, पर इसमें वो गेज नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों, अब मैं जो है रेगुलेटर और नॉन रेगुलेटर का बेसिक समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि दोस्तों, दोनों में रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इसमें 130 बार सेटिंग है, और इसमें कितना बार है मुझे पता नहीं, मैंने इसको कभी खोला भी नहीं है रेगुलेटर को, कभी छेड़खानी नहीं करा है, तो ये 130 बार पे सेट है। तो रेगुलेटर का काम होता क्या है, वो जो है जो आपका जो सिलेंडर का जो है एयर है उनको जो रेगुलेटर में जाके एक पर्टिकुलर बार पर जो आपका एयर को स्टॉक करके रखता है शॉर्ट के लिए, और वो शॉर्ट निकल जाने के बाद फिर से जो यहाँ का एयर जो आके है फिर रेगुलेटर में वही सेम हवा भर के रखता है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो है आपको एक पर्टिकुलर एयर रिलीज करेगा जो रेगुलेटर का थ्रू बैरल से, और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में एयर रिलीज होगा, और वो कंसिस्टेंसी के लिए है, और उसे आपका जो है एक्यूरेसी जो है वेरिएशन नहीं होता है। तो एक लेवल में एक मात्रा में एयर रिलीज होगा, तो वही सेम FPS में आपको पुश करता रहेगा, तो उसे आपका एक्यूरेसी बनता है। अगर हवा कभी ज़्यादा कभी हम होएगा तो आपका पिलेट फर्नीचर जाकर लगेगा, तो वो काम करता है रेगुलेटर। और पावर के बारे में बोलेगा तो जैसे कि मान के चले आपका रेगुलेटर 130 बार पर सेट है, तो उसको आप जो है ये जो हेमन स्प्रिंग वगैरह टेंशन करके ये पावर व्हील है मैवरिक में दिया है, तो ये सब आप एडजस्ट करके जो है पावर आपका बढ़ता है, वो आप सभी को पता है हेमर स्प्रिंग टेंशनर का वजह से पावर बढ़ता है। तो रेगुलेटर या रैपर में होता क्या है, तो जैसे कि आपका 130 बार पे आपका जो रेगुलेटर जो है सेटिंग है, तो आप इसको घुमाएगा पावर बढ़ाने के लिए, तो कुछ हद तक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी बढ़ेगा, तो पर वो एक लिमिट क्योंकि प्रेशर बन के रखा हुआ है, तो आप इसको जो है भले ही जितना भी टेंशन दे दो वही मात्रा से जो आपको एयर रिलीज करता रहेगा, तो इसलिए वो किसी एक पावर पे जाके रुक जाएगा, उस पर आप पावर को ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर सकता है, ये रेगुलेटर का काम है। अगर आपको पावर बढ़ाना है और तो आपको रेगुलेटर का बार को बढ़ाना होएगा, तभी आपको फिर से पावर मिलना शुरू होगा, नहीं तो एक लिमिट पावर में वो रुक जाएगा, भले ही आप इसको स्प्रिंग टेंशन दे दो कुछ ज़्यादा खास पावर मिलेगा नहीं। तो ये बेसिक चीज़ है जो रेगुलेटर का। तो दोस्तों, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको जो है नॉन रेगुलेटेड, इसमें वोर्टेक्स नॉन रेगुलेटेड है। तो नॉन रेगुलेटेड में होता क्या है, जो भी एयर आपका बैरल से होके निकलेगा वो सीधा आपका जो एयर जो यहाँ भरा हुआ है या प्रेशर बन के बैठा हुआ है, तो वहाँ से जो है एयर निकल के जाएगा। तो उसमें एडवांटेज क्या है, आप जो हैमर स्प्रिंग को जितना टेंशन देगा उतना ही पावर मिलेगा। तो दोस्तों, मैवरिक्स जो रेगुलेटर एयर गन है, इनसे भी जो है ये जो वोर्टेक्स जो है काफ़ी पावर जनरेट कर रहा है, जो 20 ग्रेन स्लग को भी चला पा रहा है। तो दोस्तों, ये बेनिफिट है जो नॉन रेगुलेटेड एयर एप्पल का जो है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो कंपनी ने स्प्रिंग प्रोवाइड करा है, जो कंपनी ने पावर सेटिंग करके भेजा है, उनको आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, हल्का फुल्का इधर उधर आप जो है पावर को कर सकता है, पर
ज़्यादा जो एक्सिस पावर बढ़ाने की कोशिश नहीं करना, उससे क्या होगा आपका एक्यूरेसी बिगड़ेगा, गन डैमेज होने का चांस है और आपका ओरिंग उड़ने का चांस रहता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो स्पेशली जो है पीसीपी एयर राइफल को जो है दोस्तों, ये जो नॉन रेगुलेटेड एयर राइफल में कुछ कर्व बनता है, जो कुछ पहला शॉट में आपको उतना एपीएस नहीं मिलेगा, तो मिडिल बीच जाके जो आपको बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी और जो एपीएस मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे हवा कम होएगा तो फिलेट ड्रॉप होना शुरू होता है। वो चीज़ को बैलेंस करने का जो है रेगुलेटर का मेन रोल वो है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए एक मात्रा में एपीएस को जनरेट करने के लिए वो होता है। तो दोस्तों यही है मैंने बेसिक्स चीज़ें जो है आपको बताने को कोशिश करा है। तो दोस्तों ये टोंटीग्रेन स्लग को जो है वोर्टेक्स जो है काफ़ी बड़े आराम से चला पा रहा है जो नॉर्मल सेटिंग में भी, और ये दो एयर एप्पल जो है तो ये डायना आउटलो है, ये जो है टोंटीग्रेन स्लग को जो है सही ढंग से पुश नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसका मुझे पावर का तोड़ा जहाँ बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो मैवरिक है ये चला पा रहा है, पर जितना ग्रुप अच्छे ग्रुप आनी चाहिए उतना नहीं मिला है मुझे, इनको भी कुछ जुगाड़ करना होगा। तो दोस्तों ये जो मैवरिक है मेरा, ये जो है स्लग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सारा सेटिंग मैंने फिलेट के लिए ही सेटिंग करके रखा है। मैं भी हो सकता है उस दौरान जो है स्लग को अच्छा से नहीं चला पा रहा है। और दोस्तों ये जो वोर्टेक्स जो है ये काफ़ी बढ़िया से जो है 20 ग्रेन स्लग को भी चला रहा है। दोस्तों मैंने जो पहले बताया जैसे कि इस पर मैंने जो है जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग हार्द वाला दिया है उनको मैंने जस्ट डाला है, हैमर को मैंने बिल्कुल भी टाइट नहीं करा है, जो जस्ट मैंने स्प्रिंग को डालकर जो 20 ग्रेन स्लग को चलाएगा। तो ये है बेसिक चीज़ें दोस्तों, रेगुलेटर और जो है एपीएस के लिए काफ़ी सारा सेटिंग होता है। तो दोस्तों ये जो लोकेशन है ये अपना प्राइवेट एरिया है, सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। तो चलो दोस्तों आज हम ये 20 ग्रेन एचपी स्लग को चलाएंगे जो वोर्टेक्स के साथ, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ 12 राउंड जो स्लग लोड करा है 20 ग्रेन, तो पहले मैं जो है 5-5 ग्रुप बनाएगा, जो पहले जो है लेफ्ट वाले पर 5 ग्रुप बनाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो ग्रुपिंग का हो गया। तो दोस्तों अब मैं जो है 2 केन और 1 संतरा जो मैं रख कर आया हूँ, तो मैंने उसको खड़ा नहीं रखा है, मैंने जो है लेटा के रखा है, तो मैं प्रॉपर सेंटर में हिट करने को कोशिश करेगा। तो दोस्तों मैं मैगजीन यूज़ नहीं करेगा, मैं सिंगल सिंगल जो स्लग चलाएगा, तो देखता है कि जो कैसे परफॉर्मेंस होकर आएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या बनेगा। जो लेता हुआ है वो ऊपर चला गया, तो अभी संतरे को, तो अब हम जो संतरा को देखेगा कैसा संतरा है, तो इस पर पड़ेगा कि नहीं। वो अटक गया है, ये जो संतरा जो नहीं गिर पा रहा है, और एक फूल चलाते हैं।
तो चलो वो संतरा जो गिरेगा नहीं लग रहा है, अब हम जो है गेंद एक जो है चक्चू कर उसको सोच करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है गेंद को जो है, और फिर सेंटर पे जो है शॉट करने को कोशिश करेंगे। तो उसको हम जो है सीधा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो गेंद को जो है तो दोस्तों शूटिंग वगैरह हो गया, तो अब हम जाएगा जो है टारगेट के सामने और देखेंगे क्या क्या हो रखा है जो टारगेट को। तो ये मैं पहुंच गया, तो ये है देखिए, ये जो है पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप है पांच पांच राउंड का। तो कोई है नहीं, मैं आपको मैं उंगली से मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है इस प्रकार का ग्रुप है, 20 grain HNN slug, तो ये मेरा लिटिल पिंगर देखिए, तो इस प्रकार का ग्रुप है ये देखिए। और मैं सेकंड टारगेट को दिखाता हूँ, ये भी देखिए एक जो है मेरा उंगली के अंदर ही है, तो ये देखिए। और जो है ये देखिए तीनों सातों साथ करीबन एक दूसरे को टच करते हुए, तो ये मेरा लिटिल पिंगर देखिए। तो इसको आप बहुत अच्छा ग्रुप मार सकता है जो 20 grain slug जो है आपका 50 yard से। और ये है केन, ये देखिए पहला शॉट जो ऊपर हिट हुआ, ये ऊपर से चीर के जो निकल गया है, तो दो जो है सीधे जो आर पर निकला है, टॉप टू बॉटम निकला है। तो ये है पहला शॉट ऊपर चला गया था, दोनों करीब करीब है। उसके बाद और एक केन को देखते हैं, ये देखिए इस पर मैंने सिंगल चलाया था तो सेंटर में लग गया था, ये देखिए आप होल देख सकते हैं, आर पार दिख रहा होगा आपको। तो इसको जो है प्रॉपर एग्जिट यहाँ से निकल गया है ये देखिए। और जो है संतरा को मैंने जो है यहाँ ऊपर रखा था, यहाँ रखा था तो नीचे गिर के यहाँ अटक गया, तो इस पर मैंने 4 slug चलाया पर गिरा नहीं है, ये देखिए 4 slug चलाया तो एग्जिट यहाँ से हो रखा है। तो दोस्तों ये जो वोर्टेक्स है इस पर मैंने जो है कंपनी ने एक्स्ट्रा स्प्रिंग जो हार्ड वाला दिया है उनको मैंने जस्ट डाला है, कोई हैमर को टाइट वगैरह नहीं किया है, पर भी जो है नॉर्मल सेटिंग पर जो है ये 20 grain का जो HNN slug को काफ़ी बढ़िया से चला देता है। तो दोस्तों अगर इसका आप पावर को एडजस्ट करेगा तो ये 20 grain का है, हो सकता है 23-26 grain को भी जो है काफ़ी बढ़िया से चला देगा ये जो वोर्टेक्स जो है स्लग को। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो में उतना ही, मैंने जो कुछ रेगुलेटर और नॉन रेगुलेटर के बारे में जो है मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ही बताया है, तो मैंने डिटेल में नहीं बोला है जो रेगुलेटर सेटिंग वगैरह को FPS को प्रॉपर करने के लिए आपको टेक्निकली थोड़ा कुछ जाना होता है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।